ऐसा क्रेज है, इतनी तेज है। खैर हमारे साथ कॉलर भी है, लेकिन उनसे पहले मैं बता दूं कि हमें ज्वाइन किया है राबिया ने, राबिया नजम हमारे साथ मौजूद है, स्टूडेंट है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम। कैसी हैं आप? ठीक ठाक हैं? और आपसे मुझे सब्जेक्ट पे बात करनी है कॉलर के बाद। अस्सलाम वालेकुम। और नो, कॉल ड्रॉप हो गई, मतलब सेल की तेजी की तरह आए और सेल की तेजी की तरह निकल गए। तो खैर आप लोगों ने हमें बताना है कि सेल का क्या फायदा होता है। हमारे भाई भी जितने हमें देख रहे हैं वो भी कमेंट कर सकते हैं। सेल उनको फायदेमंद लगती है क्योंकि कम पैसों में ज्यादा शॉपिंग हो जाती है, बेगम बच्चे खुश हो जाते हैं, या उनको लगता है कि नहीं सेल में शॉपिंग करने के बाद बेगम बाद में कहती है कि अब तो नया कलेक्शन आया है, अब तो मुझे नए कपड़े चाहिए या नया नई वैरायटी चाहिए। तो आप लोगों को ये सेल कॉन्सेप्ट कैसा लगता है, या किसी और इकोनॉमिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, कोई और सोसाइटी के पॉइंट ऑफ व्यू से कोई चीज लगती हो तो यू मे ऑलवेज कॉल। हाँ जी, आप बताएं राबिया, आप क्या करती हैं जब सेल लगती है? मैं तो जाकर फॉरन चेक करती हूँ कि कितनी सस्ती सेल लगी, मतलब ओके एक होती है फ्लैट और एक होती है अपटू। हाँ, तो मैं जो अपटू होती है वैसे उस पर भी बात करनी है। हाँ, आप बात कंप्लीट कर लीजिए। तो मैं कोशिश करती हूँ कि जहाँ पे फ्लैट लगी हुई है वहाँ पे जरूर जाऊँ, चेक करूँ कि कैसी सेल लगी हुई है। और फ्लैट सेल लगने वाले की वीडियोज आपने बहुत दफा देखी होंगी कि खवातीन में आपस में लड़ाई हो गई है और कितना क्या कुछ हो जाता है। बहुत फेमस ब्रांड्स हैं जिनके बारे में आपको पता चलता होगा कि कितनी लड़ाइयाँ वहाँ पर हो जाती हैं फ्लैट सेल में, कुछ नहीं मिलता आपको, इतनी लंबी लंबी लाइनें लगी होती हैं। अभी रिसेंटली मैंने एक जगह देखा था कि एक शॉपिंग मॉल में उस आउटलेट से बाहर तक लाइन लगी हुई थी क्योंकि वहाँ पे 50% फ्लैट सेल लगी हुई थी। ओके, और सारी औरतें लाइन से लगी हुई थी। आप दो तीन ऐसे ब्रांड है जिसकी सेल लगती है तो फिर लोग बिल्कुल दीवाने हो जाते हैं। इज इट वर्थ इट, आप लोगों को लगता है इज इट वर्थ इट कि आप लाइन में खड़े हो और इतना हैसल उठाएं सारा कुछ करें? पर्सनली मुझे तो बिल्कुल नहीं पसंद इतना हैसल करना मुझे। अच्छा, फिर तुम लोग जाते क्यों हो जब पर्सनली नहीं पसंद? नहीं, तो टाइम से चले जाते हैं या एंड में चले जाते हैं? अगर ठीक है कुछ मिल जाए तो ठीक है, वरना ठीक है, वरना कोई ऐसा मसला नहीं। ब्रांड इतने सारे हो गए तो कहीं ना कहीं मिल तो जाएगी जरूर, ये होता है। बाकी सेल में अगर आपने ड्रेसेस ले भी लिए तो बिल के लिए आपको क्यू में खड़ा हो तो बाद में इतनी लंबी हो जाती है कि ब्रांड आपको चले जाना पड़ता है ना, तो ये सिचुएशन आ जाती है वहाँ पे। ये सिचुएशन मुझे नहीं पसंद, इट इज नॉट वर्थ इट। अच्छी बात है कि मल्टीपल ब्रांड्स की वजह से आपको इतना फायदा है कि अब डिफरेंट डिफरेंट ब्रांड्स पहन सकते हैं। अब ब्रांड्स ऐसे भी आ चुके हैं जो काफी इकोनॉमिकल हैं, सेल लगती है तो और ज्यादा इकोनॉमिकल और ज्यादा हो जाते हैं। बिल्कुल, तो ऑप्शन काफी सारे हो चुके हैं, काफी सारे ऑप्शन हो गए पहले, क्योंकि वो एक जमाना मुझे याद है कि जब कुर्तियों के प्राइस बढ़ते जा रहे थे, वो 3,000 से 4,000 से 5,000 से 6,000 होते जा रहे थे, तो सिंपल कुर्ती आपको इतनी महंगी मिलती थी। अब जो है वो 2,500 की भी होती है, अगर सेल लग जाए तो वो और कम भी हो जाती है, तो यू सी मजे आ जाते हैं सबके। एंड वी हैव अ कॉलर राइट नाउ। अस्सलाम वालेकुम। अरे नमस्कार, प्रभाती कैसी हैं आप? ठीक है, ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र। सेल के हवाले से जो आप टॉपिक छेड़ा हुआ है ये आपने बहुत जबरदस्त टॉपिक छेड़ा हुआ है। ये जो मेरे साथ मेरी वाइफ खड़ी हुई है और जैसे ही सेल लगती है कहीं पे भी, चाहे ईद हो बगैर ईद के, ये बिल्कुल लूट लेती है वो, बिल्कुल जो पैसे होते हैं ना, अगर दो दिन पहले शॉपिंग की होती है और एक दिन पहले सेल लग जाती है तो ये बस कहते हैं बड़ा भारी पड़ता है आपकी जेब पे। आपकी बात है कि नहीं मुझे ले कर दिखाने के लिए, सिर्फ देख के नहीं, क्या क्या चीज वहाँ ये अच्छा है। हाँ देख तो ले, चल के देखने में क्या है, आउटिंग हो जाएगी है ना, और फिर ले भी लेता है इंसान, इतना सस्ता तो है, चले ले लेते हैं। बिल्कुल आपकी बात मुझे समझ आ गई। थैंक यू सो मच फॉर द कॉल। वी हैव अनदर कॉलर। अस्सलाम वालेकुम समान। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप बताएं कैसी हैं? मैं भी ठीक हूँ। बहुत प्यारी लग रही है आपका ड्रेस, बहुत प्यारा है। थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा है। थैंक यू सो मच। रणवीरा की ड्रेस उनका, सॉरी मुझे भी सूट का लुक चाहिए आपसे। हाँ हाँ, वो तुम्हें बहुत अच्छे से चाहिए, साल हाँ, साल हो गए, लेकिन मैं तुम्हारी कंसिस्टेंसी नहीं है समन, मैं तुम्हारी कंसिस्टेंसी की फैन हो गई हूँ। इंसान ऐसा कंसिस्टेंट हो कि चाहे जो भी हो बदमजा ना हो, लगा रहे हैं। मैं फैन हो गई आपसे बात करके, मुझे बहुत मजा आता है आपके प्रोग्राम में कॉल करके, बहुत एंजॉय करती हूँ। मगर मैंने तुम्हें कहा है ना समन कि जिस दिन मैं अपना ब्रांड लॉन्च करूंगी तुम्हारे लिए जोड़ा जरूर भेजूंगी, डन हो? किसी लॉन्च बस करूंगी इसी साल इंशाल्लाह, फिर तुम्हें भेजूंगी। थैंक यू सो मच फॉर द कॉल। एंड इस वक्त
साथ हमें ज्वाइन किया है, हमारे साथ जिया बुखारी मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम, मॉडर्न है, कैसी हैं आप, ठीक ठाक हैं? अच्छा, और ज्यादातर जो ब्लेम आता है ना वो मॉडल और एक्ट्रेसेस या टीवी पर्सनालिटीज पे आता है कि इनकी वजह से खवातीन में ज्यादा रुझान हुआ है बनने संवरने का, और ज्यादा वो सेल में जाना चाहती है, ज्यादा खरीदारी करना चाहती है। आपको क्या लगता है? मेरे ख्याल से सेल में कोई बुराई नहीं है, क्योंकि ये तो सारे जेंट्स का खर्चा हमारे उल्टा कम होता है, और अगर हम लोग जाके न्यू अराइवल्स में जाके हम लोग लेते हैं कुछ भी करते हैं तो उनका ज्यादा बिल बनेगा, हम तो बिल कम करते हैं उल्टा। अच्छा, ये तो गलत बात है ना कि हमें सेल पे नहीं जाना। बात ये है कि सारा जो आर्ग्यूमेंट है ना, जो पॉइंट ऑफ कंटेंशन है वो ये है कि सेल में भी खरीदारी करती है और जब नई कलेक्शन आती है तब भी खरीदारी करती है। ऐसे तो कोई इतना मॉडेस्ट नहीं है, मतलब अक्सर लोग कि सेल में खरीदारी कर ली और उसके बाद जाके नहीं बसत नहीं करेंगे, तो सही है ना। आप देखिए, अगर न्यू अराइवल्स आते हैं, हम लोग जाके लेते हैं, तो जितना आपका डबल बनना था वो हमने आधा करवा दिया। क्या बात है जी, फिर भी अपनी ही बात रखनी है। तो क्या ये बताओ कि आप लोग तो पढ़ रहे हो मीडिया, और आप तो खासतौर पर इसमें आर्ट स्पेसिफिक पढ़ाई अपनी कर रही है, तो क्या आप लोगों को खुद नहीं दिल चाहता कि हम कुछ आर्ट क्रिएशन करें, हम खुद कुछ बना लें, करते हैं कभी? जी, मैंने अभी अपना ही काम कर रही हूँ, थ्रेड आर्ट का, सुई धागे का। मैं अपना अभी पर्सनल एक ब्रांड लॉन्च करने का सोच रहा हूँ, तो इसी पे मैं अभी काम कर रही हूँ। ओके, तो इंशाल्लाह एक नहीं दो तीन सालों में वो पाकिस्तान में भी जरूर आ जाएगा, अभी वो यहाँ पर है नहीं। ओके, तो उसी पर भी काम। अभी कहाँ है? अभी मेरे घर पर ही, अभी पर्सनल है वो काम। चल रहा है अभी, पेंडिंग नहीं है। ओके, तो उसी पर भी काम चल रहा है, तो इंशाल्लाह एक दिन उसी पर भी सेल लगेगी, पाकिस्तान में आ जाएगा। तो डिफरेंट नंबर वगैरह ले लेना चाहिए चंदन कांता का। वैसे तुम्हारा नाम इतना अनोखा सा है हम सबके लिए कि अगर तुम अपने नाम से ब्रांड शुरू करो तो मेरे ख्याल में बड़ा अट्रैक्टिव है चंदन कांता, मुझे तो लेते हुए बड़ा मजा आता है। थैंक यू। इसका मतलब क्या है वैसे? चांद से रिलेटेड है? जी बिल्कुल, लाइट ऑफ मून। लाइट ऑफ मून, ओके, तो ये आप रख सकती हो ना। खैर, बिल्कुल, ये हम कहीं और ही निकल गए, मैं अगर करियर काउंसलिंग करने लग गई। वैसे आप लोगों ने करना क्या है आगे, आपने क्या करना है? मेरा जैसे मेजर एनिमेशन है, तो मैं तो एनिमेशन की साइड पे जाऊंगी। बाकी इतना लड़कियां काम करती है तो कपड़े बनाने का वक्त नहीं मिलता ना, इसीलिए ओवर द काउंटर जाके शॉपिंग करो, शॉपिंग करो एंड आ जाओ, डाइनिंग का टाइम नहीं मिलता इतना। सेल तो इतना ईजी हो गया है कि अगर आप कपड़ा लेते हो आने से जिसको बनवाओ, आपको अगर 1200 का कपड़ा मिल जाए उसको बनवाओ, उससे भी आपको 1200 सिलाई के लग जाते हैं। ये लगवाओ, उसके बंस लगवाओ, तो इतनी सारी लड़कियों की होती है फरमाइशें, तो वो उसमें सेम ही खर्चा आ जाता है। तो इससे अच्छा है कि आप स्टिच ड्रेस उसमें ले लो, आप सेल में ले लो, वो आपको हाफ प्राइस नहीं मिलेगी। अच्छा, ये बात इनकी सही है, लेकिन शायद जब हम खुद सिलवाते हैं ना तो हम आहिस्ता आहिस्ता पैसे देते हैं। पहले हमने कपड़ा लिया, उसके पैसे दिए, फिर उसे रख दिया, फिर टेलर के पास गए, फिर चलो लेस लेने गए, उसके पैसे दिए, तो हमें ज्यादा झटका नहीं लगता। लेकिन अगर आप उसको टोटल करें तो वो वही बन जाता है जो किसी भी ओवर द काउंटर आप रेडीमेड ज्यादा बन जाता है, उससे ज्यादा बन ज्यादा बन जाता है। अगर आप आने जाने में लग जाते हो तो वो भी आपके किराया भी लगता है ना, तो सोचनी है। तो लड़कियां हैं तो ये चीजें तो जरूर सोचेंगी। सारा कुछ सोचो भाई, वेरी गुड, इतना कुछ सोचने के बावजूद माशाल्लाह इतनी मॉल्स जो है। अभी ये जो लड़कियों के ऊपर क्रिटिसिज्म है कि सेल लगती है तो लड़कियां या खवातीन भागती जाती हैं, लड़के भी तो बहुत, ये इतने सारे ब्रांड है, बदनाम किया हुआ है, ये लोग ब्रांड है और ब्रांड है लड़कों के, वो भी तो खाली हो जाते हैं। इसलिए मैं एक आर्टिकल पढ़ रही थी, तो ऐसा नहीं था कि सिर्फ जेंडर से ही डिफरेंस था, कि सिर्फ औरतें ही शॉपाहोलिक होती हैं या बस वो ही सेल्स पे जाती हैं, इक्वली मर्द जो होते हैं वो भी कर रहे होते हैं उसी अमाउंट में शॉपिंग, या वो बल्कि ज्यादा एक्सपेंसिव की तरफ जाते हैं, कभी कभी लेंगे लेकिन बहुत एक्सपेंसिव लेंगे, कभी कभी लूट किया है। अच्छा, वैसे आप ये टेंडेंसी मेल में भी बहुत बेहतर होती जा रही है या कम होती जा रही है, बेहतर इन अ सेंस कि अब वो शॉप करना चाहते हैं, अच्छा पहनना चाहते हैं, और ये हमने लड़कों में भी देखा है, सबने देखा है कि अब सब अपडेटेड रहना चाहते हैं। तो मॉल में सिर्फ लड़कियों की दुकानें नहीं होती हैं, उनकी एक्सेसरीज नहीं होती, वहाँ पर मेल के भी बहुत आइटम। आउटफिटर्स आप देखें, आउटफिटर्स आप जब भी जाएंगे तो वहाँ पे लड़के ही होते हैं, लड़कियाँ बहुत कम होती हैं वहाँ पे, मोस्टली लड़के ही होते हैं। सेल होगी, न्यू अराइवल होगा,
लड़के तो आपको 15-20 तो लाइन में मिलते हैं। तो मेरी बहन जी जहाँ पर लड़के आते हैं गर्ल्स को इसलिए बदनाम क्योंकि वो जब वाइफ बन जाती है तो लड़के अच्छे होते हैं। अब जेंट्स के तो जाहिर सी बात है उनसे किसी का भी नाम नहीं आता है कि आप जा रहे हैं कितना खर्चा हो रहा है, इसलिए हमें बदनाम कर दी है वरना अब बराबर करते हैं। लेकिन आजकल लगता है जैसे मैं फ्रीलांस काम करती हूँ तो मुझे जो पैसे मिलते हैं सैलरी जो भी मिलती है तो मैं चाहती हूँ कि मैं शॉपिंग उसी से करूँ रादर देन मैं अपने फादर से या किसी से मांगू, मैं ये प्रेफर करती हूँ। वो तो जस्टिफाइड है ना, लेकिन जो भी है आई मीन इतना तो बनता है ना कि अगर कोई खर्चा कर रहा है आपके ऊपर तो थोड़ा बहुत ही अलग ही खुशी होती है उसकी अलग थोड़ा तो हम बोले ना समझ में आता है। ओके वी हैव याया साहब ऑन कॉल। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसी आप जी? मैं ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र है भाई। बहुत सारी खवातीन बैठी है, मैं सोच रहा हूँ क्या बोलूँ क्या ना बोलूँ। अगर बात ये कि सेल की बात है, सेल में तो जाहिर है खवातीन ज्यादा दीवानी होती है और वो असल में होता है कि सेल के चक्कर में वो एक्स्ट्रा शॉपिंग भी बहुत ज्यादा हो जाती है। ठीक है, जो चीज नहीं भी खरीदती है वो 2 से 4 खरीदी जाती है और बटन जो है ना हम जैसे शहरों को पड़ जाता है। तोड़ नहीं निकाला है आपको इतने माशाल्लाह। असल में मैं तो इस बात में बड़ा फॉर्चुनेट हूँ कि मेरी बीवी बड़ी इसमें कंट्रोल करती है। वो इतना बहुत कम इन्वॉल्व होती है, जो चीजें जरूर खरीदती है वही खरीदती है। लेकिन लेकिन बात ये है कि हमें मुझे ये पूछना है कि जो बात जो ब्रांड की सेल होती है काफी तरह खवातीन टूट पड़ती है, लड़ाई झगड़े हो जाते हैं, तो ये एक अजीब मीनियस सिचुएशन हो रही है। तो आप क्या समझती है खवातीन से मेरा सवाल है कि क्या हमें इस सेल के पीछे दीवाना बार दौड़ना चाहिए या देखना चाहिए कोई चीज हमारे लिए फायदेमंद है या नहीं है? ये बात अभी हमने की भी ऑन एयर लेकिन आपके लिए और ज्यादा कर देते हैं। थैंक यू सो मच, क्योंकि मुझे पर्सनली यही लगता है कि इट इज नॉट वर्थ इट। मेरा बहुत फेवरेट भी कोई शॉप हो तब भी अगर वहाँ लाइनें लगी हैं तो मैं नहीं लग सकती। मैं तो खैर इतनी ज्यादा मुझे सबर नहीं है सवालों से, तो मेरे लिए बहुत मुश्किल है, मुझे जल्दी होती है। लेकिन आप लोगों को कैसा लगता है जैसे आया साहब ने कहा कि लाइन लगी होती है फिर लड़ाइयाँ भी हो जाती है? मैंने कभी देखा है खासतौर पर बहुत रश होता है और लाइन लगी होती है, हम कहते कैसे खड़े हो जाते हैं लोग लाइन में? लाइन में बड़े सुकून से खड़े रहते हैं जी। नहीं मैं कभी भी क्यू में नहीं खड़ी होती, मैं कभी देती शॉपिंग खोल सकते हैं। मैंने कहा नहीं बिल आप कर दो मैं शॉपिंग करके आ जाती हूँ, तो यही काम करती हूँ। दोस्तें तुम्हारा काम पूरा कर देती है ना, नहीं तो वो जैसे मैं लेकर आती हूँ तो वो क्यू में खड़ी हो जाती है ना, इस चक्कर में हो जाता है, काम भी हो जाता है टाइम से, फारिक भी हो जाता है एक ब्रांड से जाती है। दो तीन लोग जाए खड़ा करने किसी एक को और बाकी जाके जो है वो अपनी शॉपिंग। क्यू इतनी लंबी नहीं होती, अंदर भी बहुत रश होता है कि आपको अपने मुताबिक का साइज नहीं मिल रहा होता या चेंजिंग रूम इतने भरे हुए होते हैं फिर समझ नहीं आता फिर ये इतना वाकई इतना आई डोंट नो मुझे नहीं समझ में आता। वैसे मुझे ये लगता है मैंने कहीं ये पढ़ा भी था कि वो लोग जिनके पास ज्यादा काम नहीं होता करने के लिए और पैसे अल्लाह ताला ने दिए हुए होते हैं तो वो ज्यादातर टाइम अपना शॉपिंग में गुजार के किसी किस्म की सेटिस्फेक्शन हासिल करते हैं। अच्छा ये हो सकता है, मैं ये नहीं कहती कि हम उन लोगों में से नहीं है या हम उन लोगों में है, लेकिन ये एक जनरल पर्सपेक्टिव है कि वो खवातीन जिनके पास ज्यादा करने को कुछ नहीं होता या जिनकी जिंदगी में किसी भी एक कैफियत की कमी होती है, चाहे वो मोहब्बत की कमी हो, चाहे वो किसी और एहसास की कमी हो, चाहे वो एजुकेशन की कमी हो, चाहे वो और किसी जज्बे की कमी हो, तो वो जो है ना वो अपनी इस कमी को या अपनी इस नफ्सियात को अपने आप को खुश करने के लिए ज्यादा शॉपिंग करती है। इस पॉइंट से मुझे याद आया कि शॉपिंग डिप्रेशन को भी बहुत दूर करता है। अभी आप कभी डाउन फील कर रहे हो शॉपिंग पे चले जाओ इतना डिप्रेशन फील कर रहा है, ये बात सही है। वैसे ये आप कर सकते हैं और वैसे शौक भी होता है इंसान का। एक कॉलर मेरे साथ है, सामने कौन फरमा? अस्सलाम वालेकुम मैम, कैसी हो? क्या हाल है आपकी? जी मैं ठीक ठाक हूँ, आप बताओ कैसी हो? हम ठीक, आप सुनाए? मैं तो सुना रही हूँ आपको, आप बताएं कि सेल वगैरह का कोई एक्सपीरियंस है कुछ शेयर करना चाहती है हमसे? जी बताओ ना, ये जो सेल लगती है तो क्या करती हो, या तुम जो है वो सेल वेल पसंद नहीं करती हो ऐसा लग रहा है मुझे? नहीं करते हैं पसंद। टीवी से मेरा नंबर चाहिए, इनका नंबर चाहिए। किनका नंबर चाहिए, किसका नंबर चाहिए, ये बात तो मुझे पूरी करके बताओ। तुम लोग कॉल ड्रॉप हो गए, ये तो पता लग जाता किसका चाहिए।
इन में से किसका नंबर चाहिए और क्यों चाहिए, क्यों चाहिए तो चलो बाद में पता चल जाता। तुम्हारा लग रहा है मुझे चंद्रकांता, जो तुमने कह दिया है ना कि मेरा अभी ब्रांड घर में है, तो मुझे लग रहा है लोगों को तुम्हारा नंबर चाहिए। हाँ जरा अभी से इससे कॉन्टेक्ट बनाए ताकि फिर जब ब्रांड आए तो फिर सेल लगा दो। इतने डिफरेंट क्यों सोचा आपने, एक तरफ आर्ट डायरेक्शन मीडिया की, एक तरफ मेरा खुद का एक इंटरेस्ट है, क्योंकि शुरुआत में मेरा था कि मैं फैशन डिजाइनिंग में जाऊँ, तो वो एक माइंड चेंज हो गया ना, तो मीडिया साइंसेज में आ गई। उसके बाद में आर्ट डायरेक्शन में मैंने अपना कर लिया काम, तो एक साइड पर अपना भी एक सोच रही थी मैं फैशन भी शौक पूरा कर लूँ मैं अपना साइड पर, वैसे एक साइड पर शौक एक साइड पर अपना पूरा कर लूँ, टाइम हो जाता है मेरे पास, यही इस तरीके से मैंने अपना काम कर रही हूँ। अच्छा है भाई, ऑल द बेस्ट टू यू, थैंक यू। प्रॉब्लम तुम्हारा ही नंबर था, और नंबर अगर चाहिए होगा तो वो किसी दूसरी वजह से चाहिए हो सकता है। आप लोग कॉलिंग करें, और आपको मैं हैरान हूँ, आप लोगों का कोई सेल का कोई सेल की स्टोरी है वैसे, कभी गए हो सेल पे और क्या सोच के गए हो, हुआ क्या हो? अभी जैसे शॉपिंग करती हूँ सेल से, 50% डिस्काउंट आजकल एक और भी तो आ गया ना, 40% डिस्काउंट, 50% डिस्काउंट अपन वाला जो है ना वो लगता है, क्योंकि जब आप जाए तो वो कहते हैं सिर्फ ये 10% 50% लिखा है और 10% है। अब वहाँ पे मैं गई हूँ और मैंने कहा शायद 50% अप टू लिखा हुआ था, मैंने कहा चलो शायद 50% तक तो होगा। अब मैं गई वहाँ पे, 10,000 वाली फीस जो है वो उन्होंने 20,000 में लगा के वो हमें वापस 10,000 में दे। अच्छा ओके, वैसे ऐसा कम होता है, ऐसा कम होता है आई थिंक, वरना तो सेल लगी होती है तो वो पहले, लेकिन ईद पे तो बहुत ज्यादा हो रहा था इस दफा। ओके ठीक है, ऐसे कुछ लोग होंगे जो कर रहे होंगे। आप लोगों की स्टोरी है सेल से रेलेवेंट? मैं गई थी ब्रांड वैसी ड्रेसेस लेने, लेकिन मुझे पता नहीं था कि वहाँ सेल लगी, मैंने ऐसे पिक कर लिया मर्जी से, अच्छा लगा। जैसे ही मैं जाके पे किया, उसने उस अमाउंट के हाफ परफॉर्म बताई, वो टाइम था जो मुझे अच्छा सेल लगी हुई है, फिर मैंने वो और जैसे फिर और पैसे बच गए, तो मैंने कहा चलो और शॉपिंग कर लेते हैं। कॉलर अस्सलाम वालेकुम, जीशान साहब। वालेकुम अस्सलाम। हाँ जी, खुशाब से आप कॉल कर रहे हैं और टीवी से मेरी आवाज़ सुन रहे हैं, जो कि बिल्कुल ममनू है। जी मैं सेल के बारे में कहना चाहता हूँ कि हम तो घोड़ा जब भी बाजार जाने से पहले ना, हम सेल यहाँ इतवार बाजार लगता है, इसलिए पहले हम इतवार बाजार जाए और फिर दोबारा बाजार में जाए, ऐसे सेंस होता है हमारे। समझ नहीं आई मुझे आपकी बात। वैसे ये वाले जो बाजार लगते हैं ना, इतवार बाजार और मंगल बाजार और बुध बाजार, ये इनकी भी अपनी बात होती है, पहले बहुत लगा करते थे, अब वक्त के साथ कम हो गए, इलाके से स्पेसिफिक हो गए। जैसे एक बहुत बड़ा कराची में बाजार लगता था, इतवार बाजार, जिसको लोग बहुत चीजें होती थी, सब लोग बड़े वो करके थे, किसी कोई पूछता भी था कहाँ से लिया, वहाँ पे आराम से कर सकते थे। हाँ वहाँ पर सारे सेलिब्रिटीज भी होते थे, वो था इतवार बाजारी में, आपको बताती हूँ अगर आप कराची में नहीं है तो। हमारे यहाँ कराची में डिफेंस में एक बहुत बड़ी मार्केट लगती थी संडे को, और संडे मार्केट जिसको हम कहते थे यहाँ इतवार बाजार, और वहाँ फल फ्रूट से लेकर हर तरह के ब्रांड से लेकर, और जो चीजें बाकी बाजारों में होती है ना, बुध बाजार और मंगल बाजार और हर इलाके के बाजार में, सब चीजें उधर होती थी। तो वो एक बड़ा फेमस बाजार था जहाँ सारे डिजाइनर्स भी आपको नजर आते थे, एक्टर्स भी नजर आते थे, और भी मीडिया के लोग नजर आते थे, और फेमस लोग भी नजर आते थे। तो यू सी, कभी भी ये वाले बाजारों को भी हल्का नहीं देना चाहिए। क्या सोच रही हूँ चंद्रकांता, अभी सोचा तुमने उस संडे मार्केट के बारे में? नहीं अब नहीं लग रही ना, काफी अब लग रही है गुलशन साइड पे लग रही है। अच्छा, वो वाली नहीं है ना, डीएचए वाली? हाँ वो सभी मेन है, ज्यादातर जो लोग थे वो कहीं स्कैटर हो गए। बाकी इसके अलावा ऑब्वियसली हमारी सोसाइटी में मुख्तलिफ लोग होते हैं और उनकी मुख्तलिफ उनका अपना एक बजट होता है, तो उस हिसाब से आप कहीं भी जा सकते हैं, लेकिन ऑप्शन आपको सारे वहां पर भी मिल जाते हैं। लेकिन उसका फायदा ये भी था कि ब्रांडेड चीजें आराम से मिल जाती थी और बहुत अच्छी कंडीशन में मिलती थी, और ज्यादातर लोग तो झूठ भी बोलते थे, हमने अमेरिका से मंगाया है, हमने मेरा एक्सपीरियंस नहीं है।
बाजार। हाँ यू आर सो राइट, ये लोग जो है वो इस तरह बात कर देते थे क्योंकि वहाँ पर वो, मैं कुछ दिनों बाद उनको वहीं पे ही देखती थी, हाँ पकड़ भी लेती थी, चलो जी यहाँ ये है अमेरिका एक्चुअली। ओके बहरहाल कमिंग बैक टू सेल, तो आप लोगों के ख्याल में ये जो फ्लैट 30% 10% 20% है ये लगना चाहिए या अप टू 30% अप टू 70%, क्योंकि जब उसमें जाओ ना अप टू वाले में तो वो सिर्फ एक रैक होता है, कहाँ है जी 70% से सिर्फ ये वाला रैक, नहीं फ्लैट ज्यादा, फ्लैट ज्यादा क्योंकि आपको डिफरेंट अप टू ट्राउजर्स चाहिए होते हैं, शर्ट चाहिए, दुपट्टे इवन चाहिए होते हैं, एक श्योरिटी होती है ना, फ्लैट है ये फ्लैट चाहिए, 20 पर भी है तो वो चीज है, सेल पे है तो आपको कम चीज मतलब पैसों में मिल जाती है, तो आप मतलब एक इजी फील करते हो हाँ भाई हम ले सकते हैं, तो ये अगर सेल हो फ्लैट सेल हो तो वो ज्यादा अच्छा है, वो ज्यादा अट्रैक्टिव है। ओके वी हैव अनदर कॉलर, अस्सलाम वालेकुम अजीज साहब। जी वालेकुम सलाम, आप कैसे हैं? जी मैं ठीक ठाक थैंक यू, बहुत खुशी हो रही है, मैं आपको देख ही रहा हूँ टीवी पे। अच्छा मैं ये बात कहना चाहता हूँ कि सेल्स जब लगती है किसी भी स्टोर पर वहाँ पर जाओ तो एक खास पोर्शन ही होता है जी, जबकि पब्लिक बड़ा एक प्रोग्राम बना के आती है, यहाँ पर हमें लॉट ऑफ वराइटीज और हर स्टैंडर्ड के कपड़े फैब्रिक जो है वो रियायती कीमत में मिलेंगे, ऐसा नहीं होता एक बात। दूसरा ये है कि माशाल्लाह जी जितना भी टैलेंट बैठा हुआ है, अगर आप लोग इस बात की भी आगे इसको मजीद बढ़ाएं, यदि हमने इतना परसेंट किसी भी सेल्फ जो स्पॉट है वहाँ पर इतना परसेंट वहाँ पर मौजूद है स्टॉक, तो लोग एक प्रोग्राम बना के आएंगे, मतलब बेहतर लोगों को मैंने देखा है कि उनको मायूसी सी होती है। ठीक है, थैंक यू सो मच अजीज साहब फॉर योर कॉमेंट, काफी गहरी नजर से आपने जरा मुख्तलिफ तरीके से ये सेल वाले पॉइंट को समझा हुआ है, बट ये इन्फॉर्मेशन अभी मेरे ख्याल में हमारे मेहमानों ने भी शेयर की कि जब अप टू लिखा होता है ना कि अप टू दिस मच परसेंट वेदर इट्स 50, 40, 70 और व्हाटएवर, तो उसका मतलब ये होता है कि आप वहां जाएंगे तो आपको दुख भी हो सकता है, लेकिन जब फ्लैट सेल होती है तो दैट मीन्स कि एवरीथिंग जो उस जगह का हिस्सा होगी वहां पर आपको सारी चीजें उसी तरह डिस्काउंटेड मिलेंगी, तो थोड़ा सा ये ख्याल करना चाहिए, बाकी ये है कि अपने बारे में इंसान खुद जानता है, और अगेन मैं इस सेगमेंट को क्लोज उसी बात पे करना चाहती हूँ कि जब हमारी जिंदगी में बहुत सी चीजें लैक कर रही होती हैं, दैट इज ऑल्सो अ रीजन कि हम बार बार बाजारों की तरफ जाते हैं, कभी कभी हाँ जरूरत भी होती है इसलिए जाते हैं, कभी कभी शौक भी होता है, और कभी कभी इनकी बात बहुत अच्छी थी कि जब आपको डिप्रेशन को खत्म करना होता है तब भी आप बाहर निकलना चाहते हैं और शॉप करना चाहते हैं, सो विद दैट थैंक यू सो वेरी मच, बहुत शुक्रिया आप लोगों का यहाँ आने का। एक ब्रेक आ गया, ब्रेक के बाद वर्ल्ड कप फीफा पीवर उसके बारे में हम बात करेंगे, मेहमान हमारे साथ मौजूद होंगे।